पीनट लड्डू बनाने के लिए सिर्फ हम लोगों को ये चार चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कोई चीनी नहीं, कोई तेल नहीं, कोई घी नहीं। ये पीनट है, ये कच्चे पीनट्स हैं, मूंगफली जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये सफ़ेद तिल लिया है हमने गार्निशिंग के लिए। ये जैगरी पाउडर है मीठा करने के लिए उसको, और इलायची पाउडर खुशबू के लिए। तो हमने क्या करना है, इसको जैसे मैंने कढ़ाई में अच्छे से रोस्ट करके हमने इसको भून लेना है। तो पहले ही मैंने इसको भून के रखा हुआ है इस तरीके से, इसका छिलका उतार देना है हमने भूनने के बाद। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे भून के। तो इलायची को मैंने ओखली में डाल दिया है, और हम इसका जो छिलका है वो अलग करके इसको थोड़ा सा पाउडर बना लेते हैं। देखिए छिलका मैंने इससे अलग कर लिया है। अब इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, जिस डब्बे में आप लोग चाय की पत्ती रखते हैं ये आप उसी में डाल के रख लीजिए। तो जब आप चाय बनाओगे तो आपको बड़ी अच्छी इलायची की खुशबू आएगी। तो हम इसको फेंकना नहीं है, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे चाय बनाने के लिए। अब हमने ग्राइंडर ले लिया है, और ये जो भुनी हुई मूंगफली है हम इसमें डाल देते हैं। देखिए सबसे पहले ये पाउडर्ड शेप पे आ जाएगा, और जैसे जैसे ये अपना ऑयल रिलीज़ करेगा हमने तब तक इसको ग्राइंड करना है। दो से तीन बारी घुमाने से ही अब ये देखिए इसने अपना ऑयल रिलीज़ कर लिया है। और अगर हम इसको इस तरीके से मुट्ठी बांधते हैं तो ये देखिए मुट्ठी में बन जाता है। इसने अपना, ना हमने इसमें घी डाला है ना तेल, ये मूँगफली का अपना ही ऑयल है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें जैगरी पाउडर डाल देते हैं, और इलायची पाउडर जो हमने कूटा था वो भी हम इसमें डाल देते हैं, और इसको एक बारी और घुमा लेते हैं। देखिए हमारा लड्डू का मिक्सचर बनके तैयार है। इसको हम अब प्लेट में पलट देते हैं इसको। चलिए लड्डू बांधना शुरू करते हैं, आपके ऊपर है आप जितना छोटा बड़ा लड्डू बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। देखिए प्रोटीन से भरपूर पीनट लड्डू बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए इसको, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर डालिए। और जो लोग मेरी चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की रेसिपीज़ आप हमेशा देख पाएँ।